आपका नाम? दीपक पाटीदार। टीकमगढ़ जिले में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई गांवों में तो स्थिति बहुत ही भयानक है, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण दिन रात एक कर रहे हैं। मोहनगढ़ तहसीलदार के ग्राम पंचायत मस्तानपुर में ग्रामीण पीने के पानी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस ग्राम के पानी के सारे स्रोत सूख गए हैं, गाँव का कुआं भी सूखा पड़ा है। कहने को तो गाँव में कई हैंडपंप लगे हैं, मगर वो पानी की जगह हवा दे रहे हैं। गांव की महिलाएं और छोटी बच्ची तपती दोपहरी में गांव की महिलाएं और छोटी बच्ची तपती दोपहरी में 48 डिग्री में पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है कि कहीं पीने का पानी प्राप्त हो जाए। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, वो तो मजे से एसी में आराम फरमा रहे हैं और मिनरल वाटर पी रहे हैं। उन्हें क्या पता कि गरीब की प्यास कैसी होती है। ग्राम के आलोक सिंघई ने बताया कि स्थिति इतनी भयानक है कि ग्रामीणों को पानी की कमी के चलते गांव में मेहमानों को बुलाना बंद कर दिया है। कई घर तो ऐसे हैं जो पानी की कमी के कारण गांव से पलायन कर गए हैं, फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। भाई साहब आपका नाम? आलोक जैन। कहाँ के निवासी? यही मस्तापुर की। आपके यहाँ अभी जो ग्रामीणों ने बताया है कि पानी की भीषण समस्या है, वो कई बार ग्रामीणों ने सरपंच एवं सदस्य इसकी मांग भी की कि पानी की समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ, इसमें कितनी सत्यता है? सर जी बिल्कुल 100% सत्य है कि जो है 2 महीने से मेरा पूरा गांव जो है 2-3 किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चे पानी लेने जा रहे हैं, बहुत परेशान है। इस पर कोई शासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आया है कि तुम्हारे गांव की महिलाएं हैं, वो सारी रात पानी भरती हैं। बिल्कुल, आप आके देख लीजिए, एक ही हैंडपंप है और जो है दिन में बैलगाड़ियों से साइकिलों से छोटे छोटे बच्चे भरते हैं, और जो है आप 12 बजे रात के भी जाके देखें। प्रशासन से इसके बारे में आप लोगों ने मांग? बहुत मांग की है। सेक्रेटरी जी हैं, वो आते ही नहीं है, भी कहते हैं कि जो करना हो तो कर लो, करते वो अब नहीं हो रहा। कहाँ के निवासी? वे रवि भाई तो है मालपीता के, वे आए नहीं आज जो है इलेक्शन के टाइम पे दिखाने थे। कितने वहाँ से नहीं आए? जो है वोटिंग के टाइम से। सरपंच भी ऐसा सुनने में आया है कि टीकमगढ़ में अपना निवास बनाए हुए है, इसमें सत्यता कितनी है? टीकमगढ़ में भी रहते हैं और मस्तापुर में भी रहते हैं, दोनों जगह आती जाती। पुष्पा कौन? अहलवार। आप ऐसी दोपहरी में कहाँ जा रही हैं? पानी भर रहा है हमारे से। क्यों? पानी में लगा, देखो लोधिया को पानी में ला, लोधिया को। अच्छा क्या बोलते हैं? पानी नहीं देता हमारे। अच्छा उनका अपने अपने हेडपंप पे नहीं भरने देते? क्या बोलते हैं? हमें भर लें तो पहले जा। अच्छा इसके बाद? इसके बाद साथ में नहीं भरने दी थी? क्यों नहीं भरने दी थी साथ? लड़ते हैं। अच्छा बादल फेंकते हैं। अच्छा बेटा आप लोग दोपहरी में कहाँ जा रही? हम लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं। दोपहरी में क्यों भर रहे बेटा? पानी है नहीं है पीने के लिए, तो जाएंगे नहीं पानी भरने के लिए। अच्छा सुबह से नहीं मिलता? नहीं, सुबह से बहुत सारी बेर नहाते हैं यहीं पर, सब कुछ करते हैं। अच्छा और बेटा आप दोपहरी में? इतनी दोपहरी में क्यों? घर पर नल नहीं लगे? नहीं, नल लगे तो देते नहीं।